नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। आज से स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम जैसे उन तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर जाएगी जिनका संबंध भगवान श्री राम और रामायण से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 नवंबर को सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के माध्यम से आर्थिक प्रणाली में 12,000 करोड़ रुपए की नकदी डालने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक की तरफ से एक बयान में कहा गया कि मौजूदा स्थिति और आगे चलकर टिकाऊ तरलता की जरूरत को देखते हुए आरबीआई ने मुक्त बाजार परिचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का फैसला किया है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की तलाश अभी भी जारी है। नीरव मोदी भारत के बैंकों के हजारों करोड़ों लेकर फरार है और वापस देने को राजी नहीं है, लेकिन अब वह दो विदेशी बैंकों से लिए गए लोन की रकम चुकाएगा। देश की सबसे बड़ी ई वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने कहा है कि वह गंभीर व्यक्तित्व कदाचार के आरोपों से स्तब्ध हैं। इन आरोपों पर बने घटनाक्रम के चलते बंसल ने 11 साल पहले खुद बनाई अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बंसल ने स्पष्ट किया है कि वह वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली इस कंपनी में बड़े शेयर धारक और निदेशक मंडल में सदस्य बने रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल होने वाला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018 आज से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सीआर चौधरी मेले का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जेनावन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।